तो ये भाई नया वाला ओला S1 Pro सेकेंड जनरेशन, ये अभी प्री प्रोडक्शन मॉडल है, जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। 0 to 40 देखते भाई, 180 किलो के साथ बहुत शक्तिशाली हो चुका है S1 Pro। 0, 1, 2, 3 हाइपर मोड में भाई, इससे ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ये रोड ठीक नहीं है। तो फाइनली अपने पास S1 Pro आ चुका है जो कि पावरफुल हो चुका है, बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। 0 to 40 पहले हुआ करता था 2.9 सेकंड में, अब हो चुका है 2.6 सेकंड में। कंपनी ने इस स्कूटर के अंदर ना परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं। इसका जो मोटर लगी हुई है उसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं। कंपनी ने इसकी मोटर को आप कह सकते हो सेकंड जन बना दिया, उसके अंदर काफी इन्होंने इनोवेशन करी है जिसकी वजह से मोटर की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो चुकी है। बैटरी पैक अभी भी 4 किलोवाट आ रहा है लेकिन रेंज बढ़ गया हो चुकी है IDC वाली 195 किलोमीटर की। अब मोटर चेंज करी तो फिर भाई बैटरी में भी इन्होंने चेंज करा है। इसमें अब जो बैटरी लगी हुई है वो सेकंड जन बैटरी है और बैटरी के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन हुई है क्योंकि जो ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन जो है और जो इनका S1 Air है दोनों ही ओला के सेकंड जन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसकी वजह से इनकी जो बैटरी है वो कॉम्पैक्ट हो गई है, लाइट हो चुकी है, पूरे स्कूटर का जो वेट है वो भी लाइट हो चुका है। वेट कम हो गया तो भाई परफॉर्मेंस अपने आप ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अब 0 to 40 सिर्फ 2.6 सेकंड में कर ले रहा है। मोटर की पावर पहले हुआ करती थी 4.5 किलोवाट की लेकिन अब हो चुकी है 5 किलोवाट की नॉमिनल और पीक पावर हो चुकी है 11 किलोवाट। स्कूटर के फ्रेम को पूरा चेंज कर दिया गया है भाई, यहां पे आपको हम्प नहीं देखने को मिलता है, पहले यहां पे हम्प हुआ करता था। तो कंपनी ने इसका जो फ्रेम है स्टील ट्यूबुलर फ्रेम होता है इसका, उसके अंदर काफी मॉडिफिकेशन करी है जिसकी वजह से हम्प हट गया है भाई। प्लस यहां पे अब आपको कुछ चीजें नहीं देखने को मिलती, जैसे कि अलॉय व्हील यहां पे चेंज हो चुके हैं, डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन आ गया है, रियर में भी फ्रंट में भी अब टेलीस्कोपिक डाल दिया है क्योंकि कस्टमर की बहुत ज्यादा नीड हो गई थी कि भाई हमें चाहिए फ्रंट में टेलीस्कोपिक, कस्टमर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सिंगल सस्पेंशन, तो कंपनी ने फाइनल फीडबैक पे काम करके टेलीस्कोपिक डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रिल भी चेंज कर दी गई है भाई, अब जो ग्रिल है वो सिंगल हो चुकी है, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है और जो पहले हुआ करती थी वो थी भाई 2 और वो मजबूत नहीं थी भाई, अगर उससे इतनी मस्ती करता मैं जितनी इसके साथ कर रहा हूँ तो वो हाथ में आ जाती। तो ये तो इसके मेजर चेंजेस जो इन्होंने अपग्रेड करे हैं, लेकिन कुछ चीज ना मुझे यहाँ पे ऐसे लगा कि डाउनग्रेड भी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ना एक फ्रेम हुआ करता था पहले जिससे काफी ना प्रीमियम से फील आती, लेकिन वो अब हटा दिया गया, आपको स्विंग आर्म यहाँ पे नेकेड दिख रहा है और हाँ स्विंग आर्म भी अब आपको डबल देखने को मिलता है इस तरफ भी उस तरफ भी, पहले सिंगल साइड सस्पेंशन था तो एक ही स्विंग आर्म था लेकिन अब यहाँ पे 2 हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है आपको फ्रेम देखने को नहीं मिलता जिसकी वजह से लुक ना थोड़ी सी कम हो गई। सेम चीज यहाँ पे भी है भाई, आपको ये वायर वगैरह देखने को मिल जाती है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और ये स्प्रिंग सस्पेंशन जो है ये अब हमें एक रेगुलर स्कूटर की याद दिला रहा है, पहले वाले जो सिंगल सस्पेंशन थे वो हमें एक प्रीमियम साइड पे नजर आते थे, क्लीन सी लुक आती थी, लेकिन अब यहाँ पे ना थोड़ी चीजें एक्सपोज हो गई है। उसके बाद ये वाला पोर्शन भी ना यहाँ पे पूरा चेंज कर दिया गया, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो स्पीकर ग्रिल होती थी वो लंबी सी होती थी लेकिन अब यहाँ पे स्क्वायर सी बना दी है ताकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा आ सके, अब दोनों तरफ सेम ट्रीटमेंट करा है। ये वाला पार्ट भी आई थिंक यहाँ पे चेंजेस हुए हैं क्योंकि पहले यहाँ हम्प होता था तो पूरा पार्ट यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे एक पहले वो आती थी लेदर की मैट सी, लेदर की होती है रबड़ की होती है आई डोंट नो, बट ये प्लास्टिक का। अब कंपनी ने बताया कि भाई इनका जो पूरा सिस्टम है जो इनका प्रोसेसर है उसे इन्होंने इनहेंस करा है, पहले के मुकाबले ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है, लेकिन ये हम डिसाइड करेंगे जब इसे हम ज्यादा चला के देखेंगे, डेली यूज करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, वो थोड़ा सा कम कर दिया कंपनी ने, यहाँ पे 2 लीटर से भाई कम हो गया है, पहले 36 लीटर का था अब हो चुका 34 लीटर का, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गहरा भी हो गया है। कंपनी ने इसकी प्राइस रखी 1,47,500 जो कि पुराने वाले S1 Pro से 7,500 रुपए ज्यादा है, 7,500 रुपए के हिसाब से परफॉर्मेंस में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट करी है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें कम भी की गई है वो मैं अभी कवर नहीं करूंगा क्योंकि एक प्री प्रोडक्शन मॉडल है, हम उसे कंपेयर करेंगे भाई जब इनका प्रोडक्शन मॉडल मेरे हाथ लग जाएगा। तो ये था ओला का S1 Pro सेकंड जनरेशन भाई, जो भी चेंजेस थे सिर्फ मैंने वही बताए हैं, बाकी इसका पूरा रिव्यू मैं लेके आऊंगा जब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाएगा, उसके लिए वेट कर लेना भाई। वीडियो अच्छी लगी से लाइक करो, कमेंट बताओ कैसा लगा।